समाज के हर वर्ग को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर वर्ग पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसी में आज मुख्यमंत्री निवास पर वन विभाग द्वारा बांस शिल्पी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के लगभग 3000 बांस शिल्पियों ने हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिए। समाज आपकी मान्यता का हमेशा ऋणी रहेगा। बोर्ड के गठन से संबंधित समिति के मान निम्नानुसार प्रस्तुत है। पहला, बांस शिल्पकार जो कि दलितों में भी अति दलितों पिछड़े हैं, अतः बांस शिल्प विकास निगम के स्थान पर बांस शिल्प विकास आयोग बनाकर समाज को बनाने का अधिकार प्रदान क्यों खर्चों को रखा जाता है और ये कामना की जाती है कि हमारे पुत्र की और लंबी आयु हो, बांस की समान आयु हो। बांस शिल्पी पंचायत के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बांस शिल्पियों को कई सौगातें दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बांस की कमी दूर करने के लिए बांस शिल्प निगम बनाया जाएगा और उनके विकास के लिए बांस विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके अलावा शिल्पियों का पंजीकरण और उद्योग के लिए लोन की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में बांस शिल्पी हैं, उसके लिए एक तो बांस विकास बोर्ड का गठन करेंगे और वो बोर्ड इन सब समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते निकालेगा। बांस की संख्या लगातार कम होती जा रही है जंगलों में भी, इसलिए बांस विकास निगम बनाने का भी फैसला सरकार ने किया है। फिर जो रोजगार और आर्थिक पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए सभी बांस शिल्पियों को हमने ये तय किया है कि 10,000 रुपये तक का ऋण पहली श्रेणी, जिसमें 5,000 रुपया सरकार का अनुदान होगा और 5,000 रुपया ब्याज पे कर्जा होगा, वो उनको दिया जाएगा। ये ऐसे बहनों भाइयों के लिए उपयोगी होगा जो अपने गांव में अपने घरों पर रहकर ही बांस का काम करते हैं और कई चीज़ें बनाते हैं। इससे भी ज़्यादा कोई बड़ा और काम करना है तो 50,000 रुपये तक की राशि के लिए हम लोगों ने तय किया कि मार्जिन मनी का पैसा भी देंगे और मार्जिन मनी के अलावा 5 साल तक 5% ब्याज सब्सिडी भी देंगे और सरकार की तरफ से गारंटी भी देंगे बैंकों को। लेकिन इससे बड़ा 5 लाख तक का करना है तो उसके लिए भी गारंटी और 5 साल तक 5% ब्याज सब्सिडी देने का काम किया जाएगा। मुझे लगता है कि जो आर्थिक समस्या सामने खड़ी है व्यवसाय को ठीक चलाने के लिए, इससे उसका समाधान होगा। एक और बांस से कई चीज़ें देश भर में बनती, दुनिया भर में अभी परंपरागत रूप से हमारे भाई और बहन ये काम कर रहे हैं, लेकिन कौशल उन्नयन के लिए और अच्छा हुनर मिले इसके लिए उन्होंने ये बात की थी कि कुछ ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, तो ट्रेनिंग करने की व्यवस्था भी हम करने का काम करेंगे। कोई असास की संस्था स्वास्थ्य सहायता समूह काम करेगा तो उसको भी 5 लाख रुपये तक का की राशि दिलवाई जाएगी, जिसमें 4.25 लाख रुपया अनुदान होगा, क्योंकि वो समूह में होगा, एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, वो भी करने का हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस पंचायत में वन मंत्री सरताज सिंह, अनुसूचित जाति मंत्री हरिशंकर खटीक के अलावा प्रशासन पदाधिकारी भी मौजूद थे। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार की रिपोर्ट, TMS TV न्यूज भोपाल।